हाय, आज का टॉपिक है हाउ टू ओवरकम क्रिटिसिज्म, फेलियर्स और रिजेक्शंस। ये टॉपिक ये वीडियो क्रिएट करने का पहला रीजन है कि अभी कुछ हफ्ते पहले या तो कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ देखा मैं, तमिलनाडु का एक न्यूज़, जहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर एक वीडियो क्रिएट किया। इस वीडियो में वो बोल रहा है कि कुछ पुलिस लोगों ने मुझे गाली दिया और मुझे सह नहीं पाया, तो उसी की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ करके और रेलवे ट्रैक के नीचे चला गया और मर गया। तो जैसे मैं वीडियो देखा, बहुत दुख हुआ मुझे, क्योंकि सिर्फ ये ड्राइवर नहीं है, बहुत सारे लोग सह नहीं पा रहे कि कोई क्रिटिसिज्म या फेलियर से रिजेक्शंस को दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। उसको हैंडल करना पता नहीं उनको, उनसे उसे बाहर कैसे आना उसको पता नहीं है। देखिए मेरी पर्सनल, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को हैंडल करता हूँ एंड 10 साल से मैं बहुत बहुत लोगों को ये सब जो रिजेक्शन्स है, जो मेंटल ब्लॉक्स है, उससे मैं बाहर निकला हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ये वीडियो ना क्रिएट करूँ। ओके, सो ये टॉपिक से जाने से पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, सॉरी ये टॉपिक से जाने से पहले एक कहानी आपको, एक रियल स्टोरी आपको शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी ऐसा है, 6 साल की लड़की, उनका फैमिली बहुत बहुत गरीब है और गरीबी की वजह से उनके नानी के पास वो जा रही है, तो उनके घर में वो है और नानी उनका बहुत बहुत पीट रही है, बहुत पीट रही है। जब तक खून नहीं आएगा तब तक वो शांति नहीं होगी, वो नानी। एंड उस माहौल में जब वो 9 साल से 13 साल की थी, तो उस समय बहुत सारे सेक्सुअल टॉर्चर्स उनका कजिन से, उनका दोस्तों से, उनका फैमिली फ्रेंड से सेक्सुअल टॉर्चर भी देख रही है। एंड जब वो 14 साल की है, 14 साल में वो प्रेग्नेंट हो रही है, कोई फैमिली मेंबर की वजह से प्रेग्नेंट हो रही है। 14 साल का लड़की प्रेग्नेंट हो रही है और उनका जो जो बच्चा जो है, जो पैदा हो रहा है, वो एक्चुअली प्री मैच्योर है, तो उसके वजह से कुछ ही दिनों में मर जाती है, जो बच्चा जो है मर जाता है। अगर ऐसा एक स्थिति आपको या मुझे, मीन हमको हो रहा है इस लड़की के जैसे, हम क्या करेंगे? मैक्सिमम लोग तो टैक्सी ड्राइवर जैसे हम भी खुदकुशी करेंगे, नहीं तो कुछ लोग कंप्लीटली मेंटली चैलेंज हो जाएंगे और कुछ लोग भगवान को गाली देंगे, क्यों हो रहा है ऐसे करके बार बार पूछ देंगे कि क्यों 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 मुझे क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जो मैं हैंडल करता हूँ पब्लिक, मुझे पता क्यों मुझे हो रहा है, व्हाई आई एम हैपनिंग टू मी, व्हाई व्हाई व्हाई। तो बार बार बोलता हूँ, जब भी आप ये व्हाई क्वेश्चन पूछेगा ना, अब जब क्यों क्यों पूछने लगेगा तो यू ऑटोमेटिकली गो टू द नेगेटिव वाइब्स, यू ऑटोमेटिकली बिकम नेगेटिव। ओके, अब नेगेटिव में रहेगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको यू अट्रैक्ट नेगेटिव। फर्स्ट थिंग इज, आपको क्या बोलना चाहिए? यू हैव टू आस्क व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। सो ये लड़की जब उसका 16 इयर्स, मतलब 16 साल में जो 16 इयर्स उनके पापा के पास जा रही है, वो तो उधर से कुछ पार्ट टाइम जॉब कर रही है और पार्ट टाइम जॉब ही वो एंकरिंग का, मतलब टीवी एंकरिंग का कुछ पार्ट टाइम जॉब मिल रहा है उनको, वो कर रही है एंड उसमें पॉपुलैरिटी मिल रहा है उसको। एंड धीरे धीरे उसका खुद का एक टॉक शो वो लॉन्च कर रही है एंड वो टॉक शो का नाम है ओपरा विनफ्री शो, ओपरा विनफ्री शो। एंड ओपरा विनफ्री आज एक बिलियनर है, ओपरा विनफ्री एक बिलियनर है। जब ओपरा विनफ्री का लाइफ कहां से कहां तक हो सकता है, मतलब कंप्लीटली पापर, कंप्लीटली कुछ भी नहीं था उनके पास और आज एक बिलियनर है, तो उनका एक ही क्वेश्चन था, मतलब क्या चाहिए, मतलब व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, मुझे क्या करना है, व्हाट शुड आई डू। वो ये नहीं रोई कि मतलब मुझे क्यों हुआ, मुझे क्यों ऐसा हुआ, मुझे क्यों ऐसा हुआ, नहीं। शी स्टार्ट आस्किंग ओनली वन क्वेश्चन इज व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। उनका लाइफ पूरा चेंज हो गया एंड शी इज एन एग्जाम्पल, शी इज अ रोल मॉडल फॉर मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए वो रोल मॉडल आज। एंड उनका एक फेवरेट कोट है, टर्न योर वूंड्स टू विजडम। जब ओपरा विनफ्री कर सकती है, ओपरा विनफ्री को लाइफ चेंज कर सकती है, व्हाई नॉट वी,
why not you and me, ठीक है? So whenever आप जब भी आप कोई सिचुएशन में ऐसे सिचुएशन में आएगा ना, remember Oprah Winfrey also in your life. And next एक और एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको. ये कहानी मैं बार बार रिपीट करता हूँ मेरा दिमाग में जब भी मुझे when I go through some criticisms or failures or rejections or somebody advises me, particularly जब advice देता है ना मुझे तो ऐसे करो वैसे करो, I remember this story. तो ये कहानी ऐसा है, एक बाप और उसका बेटा दोनों एक गधे को खरीद रहे हैं, गधे को खरीद कर घर लेकर जा रहा है. तो रास्ते में एक बंदा मिल रहा है उनको और बंदा बोल रहा है, एक आदमी बोल रहा है, यार तुम लोग तो गधे ले लिया परचेज, तुम्हें आप खरीद लिया तो गधे के ऊपर क्यों बैठने जा रहा है, एक आदमी तो बैठ सकते हैं ना. तो उसको बोल रहा बाप बोल रहा है, यार बेटा तू बैठ जाओ करके, बेटा बैठ कर गधे के ऊपर बैठ कर वो जा रहा है, दोनों जा रहे हैं. रास्ते में और एक बंदा मिल रहा है उनको और दूसरा बंदा बोल रहा है, यार ये तो गधे है, ओके, गधे के ऊपर तो दो आदमी आराम से बैठ सकते हैं, क्यों अकेले एक आदमी बैठ रहा है, दोनों बैठो ना. तो दोनों बैठ रहा है, दोनों बैठकर जैसे जा रहा है, कुछ देर के बाद और एक आदमी मिल रहा है उनको रास्ते में. और जैसे वो मिल रहा है वो गाली दे रहा है, पूरा की पूरा गाली दे रहा है और बोल रहा है, यार तो आप लोग को दिमाग नहीं है क्या, आप लोग अकल नहीं है क्या, ये गधा है, ओके, उसको बोलने नहीं आता, इसके वजह से आप उसके ऊपर बैठ कर जा रहे हैं, आप दो आदमी मर जाएगा, ये पाप है करके वो इतना जब बुरा गाली दे रहा है और बोल रहा है, नहीं आपको ये गधे को आपको कंधे पे लेकर जाना पड़ेगा. तो बाप और बेटा सोच रहा, ठीक है यार तो हमें कुछ पाप कर लिया, ठीक है जैसे वो बोल रहा है, ये गधे को हम कंधे पे लेकर जाएंगे करके वो एक लटकड़ी में गधे को उल्टा कर दिया, मतलब उसका पैर पूरा पैर दोनों पैर को बांध के तो उल्टा गधे को लटका के जा रहा है. जैसे जा रहा है एक ब्रिज क्रॉस कर रहा है, तो ब्रिज बहुत नैरो है और ब्रिज में साइड वॉल्स नहीं है, साइड वॉल्स भी नहीं है, बहुत नैरो है. तो जैसे गधा उल्टा है तो उल्टा होने की वजह से क्या हो रहा है, वो इधर उधर फिर रहा है, मतलब हाथ पैर ऐसे करने से उसके वजह से क्या हो रहा है, वो गधा गिर जाता है, कहाँ से ऊपर से, मतलब गिर जाता है एंड सीधा वो पानी के अंदर गिर जाता है और मर जाता है. तो हमने क्या सीखा इसमें, किसी और के बात में मत आइए और किसी के बात मत सुनो, डोंट लिसन टू अदर्स, जो भी बोल रहा है बोलने दो, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये मेरा लाइफ है, ये मेरा जिंदगी है. मैं बहुत बार बोला हूँ मैं हाउ आई वेंट टू क्रिटिसिजम्स एंड फेलियर्स एंड रिजेक्शंस, मैं बार बार ये रिपीट करना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट. बट वन थिंग नो, ऑलवेज आई कीप सेइंग इज बी सेल्फिश ऑन योर गोल्स, बी सेल्फिश ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव, बी फोकस ऑन व्हाट यू वांट. अगर आपका गोल्स बड़ा है, आपका विश आपका जो ड्रीम है वो बहुत बड़ा है, ऑटोमेटिकली जो क्रिटिसिजम्स और फेलियर्स और रिजेक्शन आपको ध्यान नहीं देगा. एंड गलती से अगर आपको भी हो रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोंट आस्क अ क्वेश्चन व्हाई, आस्क अ क्वेश्चन व्हाट नेक्स्ट. जैसे ओप्रा विनफ्री, व्हाट नेक्स्ट, क्या करना है मुझे आगे, क्या करना आगे, क्या करना. एंड टुडे शी इज अ बिलियनेयर, ओके. सो आप भी चेंज कर सकते हैं लाइफ को व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस इन योर लाइफ, राइट. एंड और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, हमको बहुत सीखना पड़ेगा. इनफैक्ट आई लर्न लॉट फ्रॉम द वर्ल्ड, ओके, दुनिया से बहुत सीखना पड़ेगा. एंड मान लीजिए आपका फोटोग्राफ डेली या मैक्सिमम डेज में जब भी आपका फोटोग्राफ न्यूज़पेपर देख रहा है, आपका फोटो उसको कोई कार्टून कर रहा है, मतलब ऐसे उल्टा सीधा और आपके बारे में बुरा ही बुरा है, मतलब आलतू फालतू का मैसेज लिख रहा है, न्यूज़ लिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप गुस्सा हो जाएंगे ना, गुस्सा होकर एडिटर को कॉल करेगा या जो कार्टून बना है उसको कॉल करेगा, उसको चिल्लाएगा. मगर हमको सीखना पड़ेगा किन से, पॉलिटिशियन से, क्योंकि उनका तो डेली पिक्चर्स आता है, हमारा पॉलिटिशियन के बारे में डेली पिक्चर आता है एंड उल्टा सीधा उनके पास दिखता है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सभी सीधा, सभी सा राइट है, बट दे डोंट रिएक्ट. वो क्या बोलता है, पॉलिटिक्स में सब होता है. ओके, जब एक हमारा जो पॉलिटिशियंस का मेंटालिटी है, वी शुड ऑल्सो लर्न दैट फ्रॉम देम, बिकॉज एक कहानी आई मीन एक सेइंग है, द हायर यू गो द मोर क्रिटिसाइज यू विल बी, द हायर यू गो द मोर क्रिटिसाइज यू विल बी. So when you criticize more, अगर आपको किसी ने ज्यादा आप क्रिटिसाइज कर रहा है, बी हैप्पी दैट यू आर ग्रोइंग, बी हैप्पी दैट यू आर ग्रोइंग ऑन द टॉप, ठीक है. यस आई डू अंडरस्टैंड,
कुछ लोग मुझे बोला है कि स्टैनली आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू गोइंग थ्रू, ओके व्हाट यू आर टॉकिंग, क्योंकि मैं बहुत सारे मोटिवेशनल मैसेजेस देख रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोज देख रहा हूँ, बहुत सारे बुक्स पढ़ रहा हूँ, फिर भी मैं कुछ चीज़ें भूल नहीं पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू फॉरगेट समथिंग, ओके. सो इट इज़ वेरी डीप रूटेड. एंड अभी एक रिसेंटली एक बंदे को मैं सेशन लिया, एंड वो बंदा मुझे बोला कि जब वो 9 साल जब वो 9 स्टैंडर्ड पे था, 4-5 लोग उसको पीटना शुरू किया डेली. एंड इनफैक्ट इट वॉज हैपनिंग नॉट वन डे, डेली मैक्सिमम डेज में वो पीट रहा था. तो उसके वजह से हो गया, व्हाट हैपेंड इज ही लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस. अभी वो कम से कम 20 साल का है, बट 5 से 6 साल में क्या हो गया, ही लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस. इनफैक्ट इज टेकिंग मेडिसिंस, पैथेटिक है, इज टेकिंग मेडिसिंस, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा है उसको, बट लकीली आई वॉज एबल टू ब्रिंग हिम आउट ऑफ इट. तो क्या होता है, इट ऑल गेट्स रजिस्टर्ड इन योर सबकॉन्शियस में, हमारा सबकॉन्शियस में भी रजिस्टर होता है. तो आसानी से आपको खुद, यू कैन नॉट कम आउट, मीन आप खुद नहीं कर सकते, मीन कर सकते इसको. सो दिस इज वेयर वी आर स्पेशलाइज, मैं 10 साल से कर रहा हूँ. सो हम क्या करते हैं, उसका जो एरिया है उसको निकाल देते हैं, उसको जो साफ कर देते हैं, जो नेगेटिव एरियाज जो ब्लॉक्स बोलते हैं, जो थॉट्स है, ओके, उसको कंप्लीटली साफ कर देते हैं. अगर आप कुछ भी फेलियर्स, इट कुड बी अ बिजनेस फेलियर, इट कुड बी अ लव फेलियर, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म, कोई कुछ भी है, ओके, विच इज डीप रूटेड इन योर सबकॉन्शियस में, डीप रूटेड है, तो हम आसान से उसको निकाल सकते हैं. इनफैक्ट मेरा जो प्रोग्राम है कंप्लीटली ऑनलाइन, आप दुनिया में किसी भी कोने में रहिए, वी डू इट कंप्लीटली ऑनलाइन 2 घंटे के अंदर. इनफैक्ट 15 मिनट्स मेरा टाइम है, दैट्स माय टाइम, ओके, 15 मिनट्स के अंदर पूरा की पूरा जो नेगेटिव एरियाज उसको साफ कर देते हैं. साफ करके आपको जो चाहिए वो प्रोग्राम करते हैं, एंड वेरी सून यू विल सी द रिजल्ट, यू विल सी द चेंजेस. एंड माई सिंसियर रिक्वेस्ट इज, अगर आपको, इफ यू नो एनीबॉडी, ओके, हु इज गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ टॉर्चर और पेन, हु इज गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ मेंटल कंडीशंस, माई नंबर सही है, मेरा नंबर जो फ्लैश हो रहा है, प्लीज डू कॉल मी एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट. एंड अगेन, अगर मेरा यूट्यूब चैनल में पहली बार आ रहा है तो मेरा यूट्यूब चैनल रेगुलरली आना एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट यू विल गेट, एंड ऑल्सो बगल वाला बेल सिंबल क्लिक करना, सो दैट आपको कॉन्स्टेंट अपडेट मिलेगा. अगर आप फेसबुक लाइव में पहली बार आ रहे हो तो प्लीज कम रेगुलरली, एंड ये वीडियो बहुत लोगों के शेयर करना. ऐसे कीप सेइंग, द मोर यू शेयर द मोर यू गेन. अगेन, विल्फ्रेड स्टैनली साइनिंग ऑफ फ्रॉम रैपिड माइंड पावर. बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.